हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान मचे भगदड़ में 124 लोगों की मौत के बाद बाबा नारायण साकार हरि फरार है और दावा किया जा रहा है कि वो मैनपुर स्थित अपने आश्रम में ही छिपा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि पुलिस बाबा के मैनपुरी में स्थित आश्रम पहुंच गई है और करीब 20 पुलिसकर्मी आश्रम में मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक करीब 9:30 बजे एसपी सिटी राहुल मिठास मौके पर पहुंचे थे मैनपुरी के इस आश्रम में और उन्होंने पुलिसकर्मियों को कुछ निर्देश दिए और फिर वापस चले गए। आधे घंटे बाद एसपी सिटी एसओजी टीम आई और आश्रम के भीतर ये लोग गए। आश्रम के भीतर एसओजी की टीम अपनी तफ्तीश कर रही है। इस बीच सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर रात में ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। आपको बता दें कि कैमरे पर तो मैनपुरी में बाबा के आश्रम के सेवेदारों ने कुछ भी बात नहीं किया था और ये कहा था कि बाबा अंदर हैं, लेकिन बाद में सबने ये नकार दिया, कहा कि वो यहाँ नहीं हैं। बुधवार के दिन करहल के सीईओ संतोष कुमार ने आश्रम में बाबा की मौजूदगी के सवाल के जवाब में कहा था कि इस बात की सूचना हमें नहीं है, हम तो बाबा के आश्रम की सुरक्षा में यहाँ हैं, कोई पत्थरबाजी ना करे इसलिए हम यहाँ पर तैनात हैं। हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। ये आयोग 2 महीने में राज्य सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि जो FIR दर्ज की गई है वो सेवादारों के खिलाफ, आयोजकों के खिलाफ तो की गई है लेकिन बाबा के खिलाफ नहीं की गई है। न्यायिक जो कमेटी है उसके गठन में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव होंगे, न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष होंगे और इस आयोग में ब्रजेश श्रीवास्तव के अलावा रिटायर्ड IAS हेमंत राव और रिटायर्ड IPS भवेश कुमार बतौर सदस्य होंगे। ये आयोग 2 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपेगा। हाथरस में जो सत्संग में भगदड़ मची थी और 124 के करीब लोगों की जान गई, 35 लोग घायल हुए थे इस हादसे में, पर प्रवचनकर्ता नारायण साकार हरि के वकील ने यानी कि AP सिंह ने कल ये दावा किया था कि अनुयायी कभी भी उनके पैर नहीं छूते हैं। उन्होंने इस भगदड़ के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ होने का संदेह जताया है। नारायण साकार हरि के वकील AP सिंह ने कहा कि मंगलवार को जब भगदड़ मची उसकी जांच कर रहे राज्य प्रशासन और पुलिस के हाथ सहयोग करने के लिए भोले बाबा पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। भोले बाबा के वकील AP सिंह ने यह भी दावा किया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने साजिश रची। जब नारायण साकार हरि कार्यक्रम स्थल से चले गए, उनके वाहन चले गए, तो हमारे स्वयंसेवक और अनुयायी साजिश के कारण ये समझने में विफल रहे कि क्या हो रहा है। ये एक योजना के तहत किया गया था और इसकी जांच होनी चाहिए। वकील AP सिंह ने यह भी कहा कि नारायण साकार हरि के पैर उनके अनुयायी कभी छूते ही नहीं हैं। चरण रज का उल्लेख भी झूठा है। इस तरह के कृत्य का कभी कोई वीडियो न तस्वीर है। और सिंह ने यह भी कहा कि वो बाबा भोले और सिकंदर राव थाना क्षेत्र के गांव में आयोजित सत्संग के मुख्य आयोजक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भगदड़ के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में प्रवचनकर्ता का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। अगले कानूनी कदम के बारे में उन्होंने कहा कि हम घटनास्थल का दौरा करेंगे, बाकी जो फैक्ट्स हैं उस पर विचार करेंगे और उसके मुताबिक ही हम निर्णय लेंगे। तो पहली बार कल शाम में जाकर भोले बाबा का एक रिएक्शन आया, वो भी वकील के जरिए। इतनी बड़ी घटना के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि बाबा कैसे ऐसी अपील कर सकते हैं कि मेरी चरण रज तुम जरूर लेना, इससे तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। और अब हालांकि इस बात से वकील के जरिए बाबा मुकर रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वहाँ जो लोग थे उनका ज़रूर ये दावा है कि ऐसी बात बाबा की तरफ से कही गई थी। अब सरगर्मी से तलाश हो रही है बाबा की, क्या उन्हें आरोपी बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मांग यही है कि इसमें भोले बाबा को भी आरोपी बनाया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।